नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बात में जिस मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे वो मुद्दा है रेड़ी फड़ी और खोखा यूनियन एसोसिएशन में जितने भी काम करने वाले लोग थे वो पिछले 73 दिन से जीएमसी के बाहर धरना दे रहे हैं। इनसे बात करेंगे हम। सर, आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश मल्होत्रा, खोखा रेड़ी फड़ी एसोसिएशन प्रधान, और 73 दिन हो गया हमें जहाँ पर बैठे हुए। सर, आप मुझे ये बताएं कि आखिर ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आप यहाँ पर पिछले 73 दिन से धरने पर हैं? हमारे साथ ऐसा हुआ कि ये किसी के कहने से गवर्नमेंट ने, म्यूनसिपल्टी ने जो है यहाँ पर ड्राइव किया आज से, मतलब 73 दिन पहले, तब से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। कमिश्नर साहब आए, एसीआर साहब आए, और भी जो कमेटी है वो भी आई, और निर्मल सिंह जी आए। उन्होंने भी हमें यही यकीन दिलवाया कि भाई हम आपका काम जल्दी से जल्दी करेंगे। उसके बाद जो है मेयर साहब बने, मेयर साहब दो बार आए, उन्होंने कहा हम आपके साथ बेइंसाफ़ी नहीं होने देंगे और हम आते ही तुम्हारा ये काम करेंगे। ना जाने किस कारण जो है वो डिले काम हो रहा है, और हम चाहते हैं, हमें यकीन है इनके ऊपर, डीसी साहब के ऊपर, डिप काम के ऊपर, और कमिश्नर के ऊपर, एसीआर के ऊपर, सेक्रेटरी के ऊपर, और मेयर साहब के ऊपर हमें विश्वास है कि हमारा ये काम करेंगे। और हम इनसे यही विनती करते हैं कि जल्द से जल्द किया जाए। हमारे कुछ लोग जो है बीमार हो गए हैं और जहां पर डेरा डाले हुए हैं, इतनी ठंड है, अगर कोई नुकसान हो जाता है और ये जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। ओम प्रकाश जी, जिस समय ये यहाँ पर तोड़फोड़ की गई, यहाँ से खाली करवाया गया, तो कितने का सामान जो है वो रहा होगा आपके खोखों में या फिर रेडी पर? 2004 में भी डिमालशिंग हुई, हमारा बहुत नुकसान किया। मेयर जब आए कविंदर गुप्ता जी, उन्होंने हमें जहाँ पर फिर बिठाया। उसके बाद वो जो नुकसान अभी तक भरपाई नहीं हुई हमारी, तो इन्होंने ये दूसरा भी नुकसान कर दिया। किसी को भी मौका नहीं दिया सामान निकालने का। हमारा किसी का 1,00,000 रुपया देना है, किसी का 2,00,000 रुपया देना है, मंडी के पैसे देने हैं, किसी ने लोन लिया हुआ है और बच्चे पढ़ाने के लिए, किसी ने कुछ किया है, कुछ उम्मीदें जगाई कि हम कुछ करेंगे, लेकिन वो उम्मीदें जो है ना हमारी तहस की नहस हो गई। और हम अभी भी यही कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो बुलडोजर चलाया है वो एक साइड पे कीजिए, हमें जहाँ पर बैठा दीजिए और हम अपने बच्चों की रोजी रोटी कर सके। ऐसा है, आज दवाई लेने के लिए जाओ तो एक पत्ता जो है 400-500 रुपये से नीचे नहीं आता। हम दवाई भी करें, या खाना पूरा करें, या बच्चों की पढ़ाई करें, या बच्चों की फीस पूरी करें, जब बच्चों को खाना खिलाएं, हम कैसे जो है हमारा दिमाग जो है वो ख़राब होता जा रहा है। हमारे जो साथी बैठे हुए हैं और यही कह रहे हैं हमारे ऊपर, जो आप चुप करके क्यों बैठे हुए हैं, आप हिलते क्यों नहीं हैं? हम इसलिए नहीं हिलते कि हमें इनके ऊपर भरोसा है, ये काम करेंगे। ओम प्रकाश जी, पिछले 73 दिन से आप लोग यहाँ पर हड़ताल पर हैं, तो घर का गुजारा कैसे चल रहा है, कैसे खर्चा चल रहा है आपके घर का? बस जैसे हमारे कोई यार दोस्त है, कोई दुकानदार है, या जो भी हम अपना जो है, कोई शादी ब्याह आ रहा है, हम किसी से उधार उठाकर इस वक्त जो है वो कर रहे हैं। 73 दिन जो है थोड़े नहीं होते। बम बम बोले जब स्ट्राइक हुई थी वो भी 73 दिन नहीं चली थी, 60 दिन चली थी, और 60 दिन के अंदर जम्मू के तैश नैश हो गया था, हाय तोबा हो गई थी, खाना नहीं था लोगों के घरों में। अब 73 दिन हो गया हमें, हमारा क्या हाल होगा ये गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं हम। सर, आपका नाम? हरजिंदर सिंह है। हरजिंदर जी, पिछले 73 दिन से आप लोग यहाँ पर हड़ताल पर हैं, क्या लगता है आपको कि आपकी जो डिमांड्स हैं, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपकी डिमांड जो है, क्या लगता है आपको कि कितने जल्दी जो है वो पूरी होंगी, और गवर्नर साहब से आप जो हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं? हम कहते हैं जल्दी से जल्दी डिमांड पूरी हो, हमें घर का खर्चा बहुत हो रहा है, 73 दिन हो गए, कोई पूछने वाला नहीं आया, तो हमारी बेटी बीमार है, हमें चंडीगढ़ जाना पड़ता है हर महीने, उसका डॉक्टरी इलाज चल रहा है, बहुत टीके बहुत महंगे हैं,
उसके उसके पैसे नहीं हो रहे, कोई रिश्तेदार दे रहा है पैसा, कोई किधर से दे रहे हैं, हम घर का खर्चा वहाँ से उठा रहे हैं। हम कहते हैं जल्दी से जल्दी हमें यहाँ फिर बैठाया जाए, फिर काम काज करें, अपने बच्चों को इलाज कराएं, पढ़ाएं, सब कुछ करें। अच्छा, आपका भी खोखा था यहाँ पे? जी, मेरा खोखा था यहाँ। तो जिस समय आपका खोखा तोड़ा गया तो आपके खोखे के अंदर कुछ सामान था? हाँ, काउंटर था पूरा, बाल्टे बर्तन थे, खाना बना हुआ था, सब फेंक दिया, तोड़ दिया सब कुछ। कितने का सामान होगा वो? होगा 30-40 हज़ार का था सामान। तो जब वो तोड़ा गया यहाँ से, म्यूनसिपलिटी द्वारा ये इंक्रोचमेंट की गई थी, तो उससे पहले आपको कोई नोटिस आया था? कोई नोटिस नहीं आया हमें, कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बस फोर्स आई और जी सी बी आई है, उन्होंने तोड़ दिया, स्नैच कर दिया, पुलिस ही पुलिस हो गई यहाँ पर, और कोई साइज नहीं, यहाँ खाली पुलिस ही और जी सी बी थी बस। आपका नाम? जी, मेरा नाम महेंद्र पाल है। महेंद्र जी, क्या कहेंगे कि पिछले 73 दिन से आप लोग यहाँ पर हैं। हमने भी अगर बात करें तो हमने भी मेयर साहब से बात करी थी, उन्होंने कहा कि आपके लिए एक जगह जो है वो चुनी गई है, वहाँ पर आपको शिफ्ट किया जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि कितने जल्दी ये जो काम है ये पूरा होगा? जी, हमें तो अब अपनी गवर्नमेंट पे उम्मीद है, तो वो हमें हर बार कहते हैं कि 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद तसली दे देते हैं। हम घर में जाके वही घर वालों को बता देते हैं, बस 2-4 दिन रुक जाओ, 2-4 दिन रुक जाओ, ऐसे करते करते अब 73 दिन हो गए हैं। अब तो घर वालों को भी हमारे ऊपर से विश्वास उठने लगा है, वो बोलते हैं कहीं जाओ दिहाड़ियाँ लगाओ, कहीं जो भी करना है करो, घर में खर्चा तो लाओ। मैंने 3 महीने से बच्चों की फ़ीस नहीं दी हुई, 1 तारीख को या 2-3 तारीख को हम फीस देते थे, इन्होंने 26 तारीख को हमें उठा दिया, वो भी 7-8 दिन में, जो जितने पैसे थे वो तो खर्च हो गए। उसके बाद हमने सोचा चलो आज नहीं तो कल बैठ जाएंगे, आज बैठेंगे कल बैठेंगे, 2-4 दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद हर किसी ने हमें तसल्ली दी। हम तो जब ज़्यादा परेशान होते अपने प्रधान जी से बात करते हैं, प्रधान जी हमें तसल्ली देते हैं कोई बात नहीं, हमने कोई गलत कदम नहीं उठाना है, जो भी सरकार के साथ ही चल रहे हैं हमने, क्योंकि हम लोकल जहाँ के रहने वाले हैं। अगर हम ऐसे शोर शराबा करते, पत्थर मारते या रोड में आगे कोई ऐसा एक्शन लेते, उसमें क्या होना था, हमारे बहन भाइयों को लगते किसी को पत्थर लग जाता, तो उल्टा हमारे ऊपर ही उन्होंने बोला था ये बदतमीज हैं, ये वो हैं। हम तो गवर्नमेंट के साथ भी पूरी उम्मीद के साथ चलते हैं, उनके साथ भी हम प्यार से रहना चाहते हैं। बाकी गवर्नर साहब हैं वो भी हमारे अपने ही हैं, कोई हम नहीं कहते कि वो भी है तो इंसान ही है, वो भी इंसान ही इंसान के काम आता है। लेकिन हमें तो 30-32 साल से जहाँ हम बैठे हुए हैं, तब मैं छोटा सा था, मेरे डैडी को दरंग हो गया था, तब मैंने अपना ये काम शुरू कर लिया था खाने पीने का ही, तो इधर ही तो हम करते आए हैं काम। उन सबको पता है, ये इधर के लोकल हैं ये सारे, हम में से कोई बाहर का नहीं है, कोई आगे पीछे का नहीं है, और हम ही इनके वोटर भी हम ही हैं। हमने 3 बार बीजेपी को पूरी ईमानदारी के साथ जिताया है। हमने सोचा मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे नेता हैं, उनको भी, उनका भी तो फर्ज बनता है ना हमारे बारे में सोचें, मतलब कि ये उन्हीं मोदी जी का ही अकेले काम थोड़ी है कि वही हर जगह देखेंगे। उन्होंने इनको एक दे रखा है, उहदा दे रखा है, भाई अपनी अपनी बाटों को संभालो, अपने अपने लोगों को संभालो, तो इनका फ़र्ज बनता है। हम इनसे अब उम्मीदों पर बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं, हमें चलो इन्होंने तोड़ा है, कोई पक्का कर रहे हैं हमारा, जो भी करना है इन्होंने कर रहे, लेकिन अच्छा करें, थोड़ा बड़ा करें, जिसमें हम बैठ के काम भी कर सकें कुछ, वो मतलब जो भी अपनी गवर्नमेंट से हमें उम्मीद है। डीसी जो है वो भी हमारा अपना ही है, हमारा ही, हमें से भी वो भी इंसान ही है, कोई जानवर तो कोई है ही नहीं, मतलब अगर वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। डीसी हमारे जम्मू का मालिक है, हमारा मालिक है, अगर वो भी बातचीत करे, गवर्नर साहब से बात करे, तो हमारे लिए भी जो भी बना रहे हैं थोड़ा अच्छे तरीके से बनाएं। बाकी हम पूरा यकीन दिलाते हैं कि हम इनको साफ़ सफाई में रखेंगे, हम कोई गवर्नमेंट को कोई नजायज़ बोलने का मौका नहीं देंगे कि हमने गंद डाला है या हमने कुछ किया है, वो तो हम पहले भी काफ़ी सफाई रखते थे। बाकी कुछ लोग हैं जो एक दूसरे को तंग करते हैं, मतलब उसके इसके कंप्लेन लगा दी, इसकी लगा दी, हमें सब मालूम है वो कौन है, जिन्होंने हमारे ऊपर ये एक्शन लगाया हुआ है, हमें जहाँ से उठवाने में वो कब से हमारे पीछे पड़े हुए थे, लेकिन आखिर में उनका बोलबाला हो ही गया। चलो हम फिर भी परमात्मा से दुआ करते हैं, उनको भी ठीक रखना, हमें भी ठीक रखना, उनको भी देते रहना, हमें भी देते रहना, किसी को भूखे मत सोने देना, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और उसी उम्मीद को लेकर रेड़ी फड़ी और खोखा एसोसिएशन के अंदर जितने भी ये यहाँ पर लोग अपना अपना काम कर रहे थे, वो उस उम्मीद पर कायम है कि एक दिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि वादे
बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन वो वादे जो हैं वो कितनी देर में इम्प्लीमेंट होंगे, तब तक इनका घर कैसे चलेगा, और जिस प्रकार से वादे ये भी किए जा रहे हैं कि इनको यहाँ से शिफ्ट करके इनके लिए एक जगह सेलेक्ट की गई है, उस जगह पर इनको शिफ्ट किया जाएगा, वो जगह इन लोगों को कब तक मिलती है, और अगर हमारी बात हमारे थ्रू अगर इस समय हमें कोई प्रशासन का अधिकारी देख रहा है तो हमारी उनसे गुजारिश है कि कृपया आप भी एक बार यहाँ पर इस समय रात के समय आएँ और देखें कि ये रेड़ी फड़ी और खोखा जो काम करते थे ये लोग, इस समय इनकी हालत कैसी है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि उम्मीद के सहारे जीने वाले ये लोग जो पिछले 73 दिन से हड़ताल पर हैं, इनकी डिमांड जो है वो कितनी जल्द पूरी होती हैं। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, देव ठाकुर कैमरामैन साहिल के साथ जम्मू।